मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास माना जाता है और संक्रांति जो कि हम व्यूअर्स को अपने बता दें कि संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य का ट्रांजिट होना। जी हाँ, सूर्य जब परिवर्तन करता है, मकर संक्रांति का मतलब है कि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आ गया है। पंडित जी, इस बार खास क्या है मकर संक्रांति? वैसे तो हर बार की खास होती है, लेकिन इस बार खास सहयोग क्या बन रहे हैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जैसा कि भावना जी ने कहा कि मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। किसी भी राशि में सूर्य जब प्रवेश करेंगे तो इस स्थिति को संक्रांति कहा जाता है और साल भर में 12 बार सूर्य की संक्रांतियां होती हैं। हर राशि में एक एक करके सूर्य प्रवेश करते हैं, लेकिन दो राशियों में सूर्य की संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तकरीबन जनवरी के मध्य में, और एक होती है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तकरीबन जुलाई के मध्य में। ये दोनों संक्रांतियां सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। जैसा कि भावना जी ने शुरू में ही कहा कि इस बार की जो संक्रांति है वो दो ग्रहण के बीच में पड़ रही है। एक ग्रहण 6 जनवरी को सवेरे सवेरे था, हालांकि भारत में दृश्य नहीं था, आंशिक सूर्य ग्रहण था, और दूसरा जो ग्रहण है वो 21 जनवरी को है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो 21 जनवरी को लगेगा। तो 6 जनवरी से और 21 जनवरी के बीच में मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति के साथ अपने तमाम संयोग तो हैं ही, लेकिन मुख्य संयोग दो हैं। एक तो ग्रहण के बीच में पड़ रही है और दूसरे, इस साल प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यानी ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं जिन स्थितियों की वजह से इस बार मकर संक्रांति पर आपको ज्यादा लाभ, ज्यादा फायदा हो सकता है।